चेन्नई में आयोजित हुए खेलो इंडिया फेंसिंग खेल में फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ के रहने वाली गीत लांबा ने रजत पदक जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। वे 5 सालों से लगातार मेहनत कर रही थी। इस खिलाड़ी ने पिछले वर्ष रायपुर छत्तीसगढ़ में हुई नेशनल चैंपियनशिप में रजत और जम्मू में हुई SGFI नेशनल में कांस्य पदक जीता था। इस कामयाबी के बाद गीत लांबा के घर में खुशी का माहौल है और उनके पिता होशियार लांबा और माँ अंजलि ने इस मौके पर गर्व महसूस करते हुए गीत को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें, गीत लांबा कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में 9वीं कक्षा की छात्रा है। क्या नाम है? गीत लांबा। गीत कौन से गेम में आपने रजत पदक जीता है? फेंसिंग साइबर इवेंट। कहाँ आयोजित हुआ? ये खेलो ने यूथ गेम्स हुए थे चेन्नई में, तमिलनाडु। कब गए थे? मैं 19 को गई थी और 27 को वापस आई। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी कठिनाई करनी? 5 साल कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ी है मेडल के लिए। जब आप गेम कर रहे थे तो कितने आपके साथ युवा जो बच्चे थे? 24 हमारी पूरी पार्टिसिपेंट्स थे, 24 हरियाणा टीम से, और हरियाणा ऑल ओवर इंडिया में भी फर्स्ट आया है, गर्ल्स में भी और बॉयज़ में भी। आपने अब तक कितने मेडल जीते हैं? मेडल की तो कोई गिनती नहीं है, इतने जीते हैं। बाकी सबसे मेन तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स ही है जिसमें भी मैंने मेडल जीत लिया। आगे क्या लक्ष्य है आपका? आगे इंटरनेशनल मेडल जीतना अपने देश के लिए, यही लक्ष्य है। कैसा लगा आपका जब जीत के आए हो? बहुत अच्छा लगा, और ज़्यादा मोटिवेशन हुई मेडल देख के कि आज सिल्वर आया, कल को गोल्ड आए, वो भी इंटरनेशनल में आए। परिवार की तरफ से किस तरीके का सहयोग आपको मिलता था? सबसे ज़्यादा परिवार की तरफ से ही होता है, मम्मी पापा बहुत सपोर्ट करते हैं, इतना करते हैं कि कोई और कर ही नहीं सकता। चाचा भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और कोच की तो कोई बात ही अलग है, कोच तो सब कुछ है। कौन सी क्लास में पढ़ते थे आप, कौन सा स्कूल की? मैं कुंदन ग्रीन वैली स्कूल में पढ़ती हूँ और 9th। क्या नाम है सर? होशियार लांबा। कैसा लग रहा है बेटी ने आज रजत पदक जीत कर हरियाणा का नाम रोशन किया? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी बेटी अपने इसमें खेलो इंडिया में खेल के आई है। कैसे मेहनत करती थी? बहुत अच्छी मेहनत करती है, काफ़ी सालों से लगातार मेहनत कर रही है। लगभग 12-13 साल हो गए मेहनत करते करते। तो आगे क्या लक्ष्य है बेटी का? आगे का इसका लक्ष्य है इंटरनेशनल खेलेगी और अच्छे लेवल पे जाएगी, देश का नाम रोशन करेगी। आपका किस तरीके से सहयोग रहता था? हमारा इसके साथ में जाना, जैसे बाहर खेलने जाती है कई बार ये फंस भी जाती है, तो जैसे गेम है, जैसे परसों गेम है, जैसे मुझे पता लगती है, जैसे केरला में गया, बाइक कार जाना पड़ा मुझे यहाँ से 2500 किलोमीटर। हाँ जी, बाइक कार जाना पड़ा एट ए टाइम, और सुबह परसों जैसे 8 बजे पहुंचना था तो बिल्कुल राइट। क्या नाम है आपका? संदीप चौधरी। चौधरी साहब, आज बेटी जो है मेडल जीत के आई है, कितना गर्व महसूस हो रहा है? तो गर्व तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मेडल जीत के लाई है। अभी फिलहाल ये अभी वहाँ से चेन्नई से मेडल जीत के लाई, इससे पहले भी बहुत सारे मेडल जीत के लाई थी, और इसने बहुत मेहनत करी है अपनी लाइफ में ना, स्ट्रगल इनके माँ बापों ने भी बहुत ज़्यादा किया है। बहुत मतलब बच्चे को जहाँ जहाँ जाना था, कभी कभी तो ऐसा होता था जैसे कि ट्रेन भी नहीं मिलती थी या फ्लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं जा रही, और उनको पहुँचाना, ऐसे इनके पिताजी 2500 किलोमीटर दूर इसको बाइक कार लेके गए थे। ये भी एक अलग ही अनुभव रहा है कि बच्चे के प्रति कितना जोरदार दिखा रहे थे अपना।